ओम शांति। हम सभी इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हैं। बाबा की ओर देखकर जरा सच्चे दिल से कहें, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको पाकर हम संतुष्ट हो गए। आपको पाने के बाद और कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। सचमुच भगवान हमारा परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु बनकर आया। कितना बड़ा भाग्य है, स्वयं भगवान हमें पढ़ाने के लिए आ गया। और इतना ही नहीं, उसने आकर हमारा सच्चा साथ निभाया, वह आकर हमारा खुदा दोस्त बन गया। सदा साथ निभाने वाला दोस्त, आवश्यकता में साथ देने वाला दोस्त, केवल कहने का दोस्त नहीं, जब भी बुलाओ आ जाता है ऐसा दोस्त। परंतु याद रखेंगे, दोस्ती हमेशा ही दोनों ओर से हुआ करती है। वो हमसे दोस्ती निभाने आया है तो हमें भी उनसे दोस्ती निभानी है। दोस्ती में सर्वप्रथम होता है दो सच्चे दिलों का मिलन। हमारे दोनों के सच्चे दिल हों, पवित्र दिल हों। हमारा खुदा दोस्त पवित्रता का सागर है, हम भी परम पवित्र हो जाएं। तो दोनों के सच्चे दिल मिल जाएं और ये दोस्ती एवर लास्टिंग हो जाए, सदा सदा के लिए हो जाए, द्वापर युग के बाद भी ये दोस्ती चलती रहे। तो विचार करें, क्या हम ऐसे सच्चे दिल वाले हैं? दोस्ती उन्हीं में होती है जिनके विचार समान हों। बाबा के विचार बेहद के महान। हम अपने विचारों को चेक करें, हमारे विचार भी वैसे ही हैं। वो कल्याणकारी, हम भी कल्याणकारी हैं। वो सत्यम शिवम सुंदरम, हम भी सत्यम शिवम सुंदरम हैं। वो सबको देने वाला, वो सबके लिए शुभचिंतक, क्या हम भी वैसे ही हैं? ऐसे ही अनेक महान विचार बाबा के हैं। एक के बहुत महान विचार हों, दूसरे के बहुत छोटे, एक निस्वार्थ हो दूसरे में स्वार्थ भरा हो, तो दोस्ती कैसे टिकेगी? तो आइए हम इस दोस्ती को एवरलास्टिंग बनाने के लिए विचारों का मिलन करें। और साथ साथ उसने हमारा आह्वान किया, बच्चे मेरे इस महान कर्तव्य में मेरे साथी बन जाओ। तो बस हम लगा दें अपना सब कुछ उसके महान कर्तव्यों में और वो भी लगा देगा अपना सब कुछ हमारे लिए। ये हो जाएगी बहुत सुंदर समानता। तो आइए इस खुदा दोस्त का संपूर्ण लाभ उठाएं। घूमने चलें तो दोस्त के साथ, खाएं तो दोस्त के साथ, कार्य पर जाएं तो दोस्त के साथ। ऐसा पक्का प्यार हो जाए कि उसके अलावा हम रह ही ना पाएं। तो अनुभव होगा, कोई भी कठिनाई आए बस उसे याद कर लेना, आ जाओ। मन भारी हो उसे सुना देना, अकेलापन फील हो उसके साथ हो लेना, तो ये दोस्ती जीवन को परम आनंद से भर देगी। आइए बाबा को अपना दोस्त बना लो, ऐसा दोस्त जो चारों युगों में कभी नहीं मिलता। कोई सुने तो वंडर खाएगा, उसके नैन खुले के खुले रह जाएं, भगवान इनका दोस्त बन गया, वाह इनके भाग्य। तो आज सारा दिन इस नशे में रहेंगे, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा दोस्त बन गया है। और बार बार उसको अपने पास बुलाएंगे, उसका हाथ पकड़कर सैर करेंगे, उसे बातें करेंगे, अपने मन के सारे बोझ उसे देंगे। कहीं कोई काम भारी हो जाए तो हजार भुजाओं सहित उसका आह्वान करेंगे और कहेंगे, आओ
थोड़ा काम तुम करो, थोड़ा हम करेंगे। इस तरह आज सारा दिन खुदा की दोस्ती को एंजॉय करेंगे, इसके भिन्न भिन्न अनुभव सारा दिन करते रहेंगे। ओम शांति।